जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आज के क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो 88 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या आपको रिसीव हुआ है इससे? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है आज का दिन। आप आज के दिन जो भी अफर्मेशन करते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, ज़रूर पूरी होती हैं, बशर्ते आपको अपने आप को बिल्कुल खुश प्रसन्न रखना होगा, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना होगा, माइंड को बिल्कुल खाली रखना होगा, ताकि आप इतनी पावरफुल एनर्जी को रिसीव कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं आज आपको यूनिवर्स ने क्या दिया है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकलते हैं, और क्या ये 88 पोर्टल आपके लिए आपके भाग्य के नए दरवाजे खुले हैं, और इन खुले हुए गेट से आपको क्या कुछ मिला है। तो चलिए देखते हैं। इस रीडिंग में पाइल सिलेक्शन रहेगी, आप अपनी इच्छा के अनुसार एक पाइल चूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो क्लिप्स आपको दिखाने वाली हूँ, तो क्लिप्स में से जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस क्लिप को आप चूज़ कीजिएगा और उसी की आप रीडिंग देखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगे जिस पाइल को आपने चूज़ किया है उसमें आपकी सिचुएशन के हिसाब से कोई मैसेज नहीं है, आप दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंट्यूशन सही नहीं बैठती। तो स्क्रीन पर दो क्लिप्स आपको दिखाई दे रही हैं, और इन्हें अच्छे से देखिए, इनको विजुलाइजेशन कीजिए, इनको ध्यान से देखिए, दोनों ही लाइन क्या पोजीशन है, क्या कर रहे हैं। फिर आइज बंद करके अपने इष्ट देवी देवताओं को, यूनिवर्स को, एंजल्स को ध्यान करते हुए अपनी जो भी आप यूनिवर्स से चाहते हैं, अपनी मन की इच्छा को ध्यान में रखते हुए एक पाइल चूज करें। हो सकता है जो आप चाहते हो वही आपको रिसीव हुआ हो। तो चलिए आप पहले पाइल सिलेक्शन कर लीजिए। पाइल नंबर वन, आपने जो क्लिप चूज़ की है ये लगभग मैसेजेस क्या दे रही है, कि जिस तरह से लोइन आसपास देख रहा है और बहुत ही सतर्क है, तो इस समय आप की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है कि आपको सतर्क होकर सारे कार्य करने हैं, जो भी आपको रिसीव करना है, जो भी यूनिवर्स ने इस समय आपको दिया है उसे बड़े ही सतर्क होके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें पता लग रही हैं कि आपने क्या रिसीव किया है तो बहुत अच्छी बात। अगर आप नहीं जान पा रहे कि आपने क्या रिसीव किया है, तो अभी आपकी रीडिंग होने वाली है, और जब आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं, ये क्लिप देखने के बाद, तब आप मैनिफेस्ट करें, ध्यान करें कि जो भी मैंने रिसीव किया है प्लीज़ मुझे यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं, मुझे मैसेज दें। तो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपको जो मैसेज होगा वो आपको कन्वे हो जाएगा। तो क्लिप से यही मैसेज मिल रहा है, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है उसे बहुत ही सतर्क होकर आपने रिसीव करना है, उसका बेनिफिट लेना है। तो चलिए बाकी देख लेते हैं क्या आपने रिसीव किया है। बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको इस रीडिंग को देखना है, समझना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो आपने रिसीव किया है इस समय उसका अगर आप बेनिफिट ही नहीं लेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस फील्ड में चेंजेस आने वाले हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब आपको मैसेज देने का प्रयास करूंगी, जैसे जैसे यूनिवर्स मुझे मैसेज देते हैं वैसे वैसे आपको कन्वे करती जाऊंगी, ठीक है।
वही बात। देखिए तो देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। ओके। फिलहाल आपको जो मैसेज यूनिवर्स ने पहले ही आपको दे दिया है तो ये देखिए। ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स ने आपको पहले ही सतर्क होने के लिए कह दिया है। देखिए, आपको पहले ही मैसेज मिल चुका है, जैसा कि आपने पाइल चूज किया, कि आपको बहुत सतर्क रहना है आने वाले समय में। आपके क्या कर्म हैं, क्या आपने कर्म किए हैं, सबको देखते हुए आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर आपके आगे पीछे के जो लोग हैं वो थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ध्यान से अपने आसपास वालों पर नज़र रखते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए सारी चीज़ों को करना है। जो भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना है। मिलेंगी, आएंगी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये देखिए, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी जद्दोजहद चल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितनी फाइट चल रही है, कितनी मतलब एक चीज के लिए कितना कुछ आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर भाई बुद्धि से काम लेना होगा, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को करना होगा। इसके लिए आपको अपने माइंड, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा ताकि आपके माइंड को रिलैक्स मिले, आपके दिमाग में, आपके माइंड में नई क्रिएटिविटी आए और कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। और ये देखिए, यहाँ पर आया है द चैरियट का कार्ड। तो द चैरियट क्या बताता है? द चैरियट ये बताता है कि आप परेशान मत होइए। ये जो दो कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड आने पर बिल्कुल आपको राहत की सांस लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कौन सही है, कौन गलत है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे, चूज कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सचेत रहना है। तो फिलहाल चाहे फाइनेंशियल है, चाहे हेल्थ है, या आपके रिश्ते हैं, कहीं पर भी आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ब्लाइंड फेथ करके आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। तो इस समय 88 पोर्टल, जो भी विश आपने इस समय मांगी है या यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, वो आपने बहुत सतर्क होकर, बहुत बिल्कुल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है आपका इस समय, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी ही होंगी। इसलिए यूनिवर्स ने जो आपको दिया है उसे रिसीव कीजिए, लेकिन बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ। और दूसरी चीज़, आपको फेम की, आपको नेम की कोई भी समस्या नहीं है। आप जो भी रिसीव करें, देखिए, अगर आपको मनी में प्रॉफिट होता है तो आप बिल्कुल अपनी जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 1% आपको गरीबों में ज़रूर देना है, हेल्प ज़रूर करनी है। हेल्प के माध्यम से ज़रूर आपको करना है। केवल आपने अकेले यूज़ नहीं करना है, जिनको ज़रूरत हो, जो ज़रूरतमंद हो, उनके साथ आप अपनी मनी को शेयर ज़रूर करेंगे। ज़रूरी नहीं है पैसा ही दें, उसे खरीद के कोई वस्तु भी आप दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किसी की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं, किसी को कुछ खाने पीने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए आपको बुधवार के दिन गणपति जी का मंत्र जाप करना है, तुलसी को शाम के समय दीपक करना है, और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका माइंड स्टेबल होगा और
आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। इंट्यूशन पावर बढ़ेगी तो आपको और भी ज़्यादा सही गलत की पहचान हो जाएगी। तो हेल्थ की तरफ से भी आपको ध्यान देना है, बिल्कुल अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है हेल्थ में। आप अपना फिजूल का पैसा कहीं पे भी खर्च नहीं करेंगे। जहां पर ज़रूरत हो वहीं पर आपको खर्च करना है। किसी के साथ वाद विवाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये 88 पोर्टल आपके लिए नेम फेम सब कुछ लेके आया है। आपको यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है, केवल अपने दिमाग को यूज़ करते हुए ही इस रिसीविंग गिफ्ट को आप यूज़ करें, ठीक है। तो पाइल वन, इस समय यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सतर्क होने का ही मैसेज बार बार दे रहे हैं। तो देख लेते हैं कब तक ये समय कब तक रहेगा, क्योंकि अगस्त का महीना तो आपको ऐसे ही निकालना होगा, ठीक है। कमी कोई चीज़ की नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आया है और ये कार्ड यही बताता है कि आपको कोई भी पैसे की कमी नहीं आएगी। सोसाइटी में मान सम्मान सब कुछ होगा, लेकिन बस आंखें खोलकर आपको चलना है। देख लेते हैं ये समय कब तक रहेगा। कब तक आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं कोई आपको धोखा ना दे दें, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देख लेते हैं, चलिए अपने आप ही आ गया, हमें एक ही कार्ड चाहिए। जून तक, जून तक, ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी 7 का कार्ड आया है और ये भी जून, मतलब यहाँ आज आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जून तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। जून तक आपको सतर्क रहना है, कोई आपको धोखा ना दे। आप कोई नया काम शुरू करते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, आपके एम्प्लॉयज़ हो, किसी पर भी आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अच्छे से देख परख कर सारी चीज़ें करनी है। कोई आपके लिए रिश्ता आ रहा है तो अच्छे से आपको आसपास से पूछ कर पूरी अच्छे से जानकारी निकलवा कर ही रिश्ते को हाँ करनी है। तो जो भी चीज़ें करें देख परख कर फिर इसके बाद हाँ करें, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और बस जो आपको उपाय बताए हैं इसमें, रेमेडीज़ बताई हैं, वो आप कीजिए। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बस जून तक आप अपना ध्यान रखें, फिर इसके बाद आपका वक्त है और यूनिवर्स ने जो आपको दिया है उसका आप पूरी तरह से बेनिफिट लीजिएगा। चलिए पाइल नंबर 1, यूनिवर्स ने जो आपको दिया है उसे इंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखते हुए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब, आपकी रीडिंग अब शुरू होने वाली है। तो आपने जो क्लिप को चूज़ किया है वो क्लिप आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दे रही है कि शक करना छोड़ दीजिए, बुड़बुड़ाना छोड़ दीजिए। हर किसी के ऊपर बिना बात के शक करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों का, जिन बातों का आपको पूर्ण तरह से पता नहीं है, तो पहले आप उनका पता कीजिए, पहले आप उनका पता कीजिए, फिर इसके बाद किसी भी डिसीज़न पर पहुंचिए, ठीक। ये है आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देख लेते हैं बाकी और क्या क्लियरिटी आ रही है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, क्या आपको दिया है जो कि आपको रिसीव करना चाहिए और जिससे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो देख लेते हैं, इस समय यूनिवर्स ने 88 पोर्टल एनर्जी की तरफ से जो आपको मिला है वो सबसे पहली बात यही है कि शंकाओं को छोड़ दीजिए,
हर किसी पर बिना बात पे शंका करने से आपको अपना ही नुकसान होगा, तो थोड़ा सा केयरफुली होकर चलिए। विश्वास करना सीखिए। लाइफ में जब कुछ चीज़ें घटित हो जाती हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सभी गलत हों, सभी शक के दायरे में नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसे सभी पर शक करने लग गए तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। देख लेते हैं क्या मैसेज आने वाले हैं आपके लिए, यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है, क्या आपको रिसीव करना है, क्या आपको अभी तक मिल चुका है, देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह, क्या बात है। फाइल नंबर वन आपकी तो लॉटरी लग गई है, आपकी लॉटरी बिल्कुल लग गई है। पाइल नंबर टू, सॉरी, पाइल नंबर, मैंने वन क्यों कहा यहाँ पे, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर वन की रीडिंग भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है वहाँ से आपको ज़रूर कोई मैसेज मिले, ठीक है। तो देखिए, आपको पहले ही कहा कि शक करना छोड़ दीजिए, जैसे ही आप शक के दायरे से निकल जाएंगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल इतना कुछ दे दिया कि इससे ऊपर आपको शायद कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। कैसे? किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इमोशंस भर भर के हैं और आपकी इमोशंस की कदर की जाएगी और नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत ही एक राजा जैसी आपकी लाइफ हो जाएगी। ये देखिए, टेन ऑफ कप्स, सब कुछ, मतलब फैमिली, आपकी अगर अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो पूरे पूरे चांसेस हैं इस एक महीने में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके लिए रिश्ते आएंगे और रिश्ता पक्का होगा, और जो भी रिश्ता पक्का होगा, ये देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखा, मतलब यहाँ पर इतना अमेजिंग मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए खुले दिल से आपको जो चीज़ें भेजी हैं, आप इसे रिसीव कर लीजिए तो आपकी ज़िंदगी तो बन गई है भैया। कैसे? आपकी लाइफ में आपके जो, अगर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लाइफ पार्टनर, मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। तो फैमिली आपकी कंप्लीट होगी, आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं, मनी की कोई कमी नहीं है, परिवार आपको देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, पूरी हैप्पी फैमिली, ठीक। अगर आपके घर में कहीं माड़ी मोटी, जैसे थोड़ी बहुत अनबन या कुछ भी है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जिनको अभी तक समस्या आ रही है कंसीविंग की, तो वो इस समय कंसीव कर पाएंगे, इस समय वो कंसीव कर पाएंगे। ये मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है, इसे आप क्लेम कीजिएगा। जिनको भी इस समय
कंसीव की प्रॉब्लम चल रही है वो कंसीव कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यही कि इस समय आपकी लगभग लॉटरी ही लग गई है। आने वाला समय आपके लिए मेजर चेंजेस होने वाले हैं, इतने मेजर चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में कि आप खुद हैरान होंगे अचानक से। इसीलिए आप पहले ही तैयार हो जाइए इन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए। ये जो भी आपको मिरेकल जैसी ये जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, इनको पाने के लिए कैसे अपना आपको प्रिपेयर करना है, इसके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और 8-8 पोर्टल फिर से आएगा 17 को 26 को, उस समय भी आप अफर्मेशन कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दे दिया है। ये पोर्टल ओपन होते ही आपको बहुत कुछ मिल चुका है, ऊपर से आप अफर्मेशन कर लेंगे तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी और आपकी विश होगी ही होगी पूरी। तो इसलिए आपको ज़रूर अफर्मेशन करनी है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ किसी पर भी अब आप शक ना करें। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट आया है कि सेकंड आप मैरिज का सोच रहे हैं, करूं कि ना करूं, तो आपकी लाइफ में अब एक नया मोड़ आने वाला है। अगर आपके साथ आपके पार्टनर के रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो वो सुधर जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। अगर आप ऐसे मोड पर हैं कि जहां पर आपको लग रहा है कि सेपरेशन के अलावा कोई हल ही नहीं है, तो वो सेपरेशन भी आपका ठीक हो सकता है। अगर सेपरेशन हो जाता है, इसका मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ नया सोचा है, आपके लिए कुछ नया मैसेज दिया है, आपके लिए एक नया पर्सन आ रहा है। तो इसलिए आप घबराइए मत, किसी पर शक मत कीजिए, अपने मन की शंकाओं को निकाल दीजिए। मन की शंकाओं को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सूर्य के उपाय आपको करने हैं, सूर्य ग्रह के मंत्र का जाप करना है, और सबसे अहम आपको मेडिटेशन करना है, अपने फादर साहब की सेवा आपको करनी है। ये आपको इतना काम करना है बस। फिर आप देखिए, अपने फादर का मान सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, किसी भी बड़े बुजुर्ग का आपको अपमान नहीं करना है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिल्कुल आपकी लाइफ में अब कोई चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। अभी तक अगर आपकी लाइफ में कुछ कमियां थी, वो सारी कमियां अब ख़त्म हो जाएंगी और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होने वाला है। तो बेझिझक नया काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। हेल्थ की तरफ से आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई आपके हेल्थ में समस्या नहीं है। अगर अभी तक आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई भी समस्या चल रही थी, अब आपको आगे रिलीफ मिल जाएगा। आपको अगर कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो वो मेडिसिन्स भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी जो भी समस्याएँ हैं सब आपको ख़त्म मिलेंगी। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको अब यूनिवर्स ने दे दिया है। किस तरह से आपको अपनी समझदारी से संभालना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपके मन में एक डाउट है कि पता नहीं पहले जो हो चुका है कहीं फिर से ये ना हो जाए, जो मैंने पहले सब चीज़ें देख ली वो दोबारा ना हो जाए। तो आप ये सब चीज़ें मत सोचिए, आपके साथ बेहतर ही बेहतर होगा। बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में कि आप खुद इस चेंजेस से हैरान होंगे कि मैंने तो ये चीज़ सोची ही नहीं जो आपको मिल गई है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। देख लेते हैं अगर मैरिज के चांसेस बन रहे हैं तो कब तक बन रहे हैं, और कंसीविंग के अगर चांसेस बन रहे हैं तो कब तक बन रहे हैं। क्या आप रिसीव करने वाले हैं, ये आपको अब जानकारी हो गई है, और जो आपने पाया है उसे और क्लियरिटी कर देते हैं, कब तक आपको मिल जाएगा। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, ये कार्ड निकला है मैरिज के लिए। अगर अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है या अभी तक आपको कोई जॉब नहीं मिली है, क्योंकि
और अगर आप अभी सेटल नहीं हैं तो कब तक आप सेटल हो जाएंगे, और दूसरा कंसीव अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो कब तक कर पाएंगे, देख लेते हैं। तो इन ऑन टाइम, वेरी गुड, टाइम चल रहा है आपका बिल्कुल। और जैसा कि यूनिवर्स ने पहले ही आपको बता दिया, डिवाइन ने आपको पहले ही मैसेज दे दिए, एंजल्स ने पहले ही मैसेज दे दिए हैं कि अब आपका समय आ गया है, तो रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। रिश्ते आपके लिए आने वाले हैं, जॉब की आपको कोई भी कॉल आ सकती है, और बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बेझिझक करिए, आपको बिल्कुल उसमें प्रॉफिट होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। अब देख लेते हैं कंसीव का क्या। गुड न्यूज़, गुड 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 न्यूज़, 3 मंथ फॉर नाउ, अब से 3 महीने के बीच में अगर जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी तक किसी भी तरह की ब्लॉकेज से अटके हुए हैं, उनकी सारी ब्लॉकेजेस अब हटने वाली हैं, सारी चीज़ें जो बंधन में थी वो सब ओपन होने वाली हैं। तो इस पोर्टल ने तो पहल नंबर 2 आपको बिल्कुल धनवान ही बना दिया है, धन से, हेल्थ से, रिश्तों से, हर एक चीज़ से आप बिल्कुल एकदम अब अपनी परफेक्ट लाइफ जिएंगे। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, मुझे इतनी भर भर के अबंडेंस देने के लिए, मुझे भर भर के इतनी खुशियां देने के लिए, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अब आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, इसी महीने से शुरू होकर के आप सामने देख रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, जॉब नहीं अभी तक लगी है, तो टाइम आपका शुरू हो चुका है, और अभी तक कंसीव नहीं किया है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं सारे ब्लॉकेजेस अब आपके हट जाएंगे। 3 महीने के अंदर आपके घर में खुशियां किलकारी मारेगी, तो खुश हो जाइए। पायल नंबर 2, तो मैं भी बहुत खुश हूँ, ये रीडिंग तो वाकई बहुत परफेक्ट, 88 पोर्टल ने आपको भर भर के प्यार दिया है, वाओ, वेरी गुड। तो चलिए पायल नंबर 2, यूनिवर्स आपकी हर प्रकार की अच्छी वाली विशेष पूरी करें और आपको खुश रखें। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, और जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, शिव शिवा, आपके इष्ट देवी देवता, सभी आप सभी की अच्छी वाली इच्छाओं को पूरा करें। इसी मनोकामना के साथ आज की वीडियो को देती हूँ विराम, और वाकई में बहुत अच्छे मैसेजेस यूनिवर्स ने दिए हैं आपको। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करेंगे तभी वीडियो रेकमेंडेशन में जाती है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन तो प्रेस कर ही लेंगे आप, क्योंकि वीडियो अगर आपको इतने अच्छे अच्छे मैसेज यूनिवर्स दे रही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो बनता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, जय जिनेन्द्र सभी को, जय राधे कृष्णा, जय मेरे शिव शिवा, जय भोलेनाथ।